हमारे पुराणों के हिसाब से जब कलयुग का अंत होने वाला होगा तब इंसान इंसानों को खाएगा। और अब ये सच में हो भी सकता है, बस एक छोटे से वायरस की वजह से जिसका नाम है ज़ॉम्बी वायरस। ज़ॉम्बी, ये वर्ड जितना डराता है उतनी ही डरावनी इसकी व्याख्या है, यानी ये ज़ॉम्बी होते क्या हैं। ज़ॉम्बी का मतलब है एक लाश जिसमें आत्मा रहती है, यानी कि जो भी इससे इन्फेक्ट होगा वो एक जिंदा लाश बन जाएगा और दूसरों को खाएगा। कोरोना जैसी महामारी देने के बाद भी कुदरत का अभी मन नहीं भरा है, इसलिए इसने अब नए 13 वायरस दिए हैं। तो हुआ यूँ कि रशिया के साइबेरिया से साइंटिस्ट को 13 नए वायरस मिले, जिनमें कुछ मरे थे और कुछ जिंदा थे। जो जिंदा थे वो तो थे, पर जो मरे थे उनको भी साइंटिस्ट ने जिंदा किया, यानी कि रिवाइव किया। और ये ज़ॉम्बी वायरस भी एक ऐसा ही वायरस है जो पिछले 48,500 साल से सो रहा था और अब दोबारा जिंदा किया गया है। साइंटिस्ट ने इन वायरस का नाम पंडोरा वायरस यडोमा रखा है। पर सवाल ये आता है कि ये पिछले इतने सालों से सो रहा था तो अब एकदम से कैसे जाग गया, एकदम से सामने कैसे आया। तो वजह है कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से वहाँ की बर्फीली एरिया का सरफेस के पिघलने से वहाँ के हजारों लाखों साल से फंसे हुए जीव अब बाहर निकल रहे हैं, और ग्लोबल वार्मिंग का हाथ तो हमारा ही है। अभी इस वायरस का इफेक्ट अमीबा पता लगा है, जो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक लग रहा है। इसका इफेक्ट अभी इंसानों और जानवरों पता चलना बाकी है, रिसर्चेस चल रही हैं। ये ग्लोबल वार्मिंग जिसके लिए हम अब भी सीरियस नहीं हो रहे हैं, ये हमें किस भयानक हद तक लेकर जा सकती है एक बार सोच के जरूर देखिएगा। भविष्य अब भी हमारे हाथ में है, हम संभल अब भी सकते हैं, इन सब चीज़ों से बच अब भी सकते हैं, सब कुछ हमारे हाथ में है।